अब बहुत हुआ, व्यापारियों के सब्र का इम्तिहान ना लें। सीवरेज व 24 घंटे जलापूर्ति पाइपलाइन के कार्य में लापरवाही बरतने पर व्यापारियों ने जताया रोष। पाली शहर के धान मंडी में मार्ग रोक कर निर्माण कंपनी के अधिकारियों को सुनाई खरी खरी। पाली शहर में चल रहे सीवरेज व 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन बिछाने में RUIDP व निर्माण कंपनी LNT की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। सीवरेज के ढक्कन या तो सड़क के ऊपर या नीचे लगाए गए हैं। निर्माण कार्य भी गुणवत्ता से नहीं किया जा रहा है। कई जगह पर सीवरेज की खोदियों से पानी बाहर आ रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। ऐसे हालात शहर के मुख्य बाजार में है, जिसकी लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर शुक्रवार को व्यापारियों का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ, व्यापारियों के सब्र का इम्तिहान न ले। लिखे बैनर हाथ में लेकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे निर्माण कंपनी के अधिकारियों के खरी खरी सुनाई। अधिकारियों ने दिया 10 दिन का समय। पार्षद राधेश्याम चौहान ने बताया कि व्यापारियों के रोष जताने पर LNT के 2 अधिकारी आए। उनको बाजार में एक एक जगह ले जाकर सीवरेज की खोदियां व खस्ता हाल सड़कें बताई गईं। व्यापारियों के विरोध पर एक अधिकारी वापस लौट गए। निर्माण कंपनी के अधिकारियों को व्यापारियों व धान मंडी के साथ रुई कटला, चूड़ीगढ़ बाजार, डागा गली, बादशाह का झंडा, सोमनाथ, उदयपुरिया बाजार, चराफा बाजार आदि जगहों के हालत बताए। आज व्यापारियों ने जनप्रतिनिधि ने सड़कों को लेकर काफ़ी आक्रोश किया है, और कब तक ये सड़कें ठीक होंगी? सर, ये जितने भी लोग हैं, जितना भी व्यापारी वर्ग हैं, सब लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी यहाँ धान मंडी चौकी में बैठ कर के उसके बाद लोगों ने बोला कि आप फील्ड में चल करके आप देखिए क्या क्या इशू है। तो सब लोगों के साथ मिल करके सबको देखा, जो जो कुछ पॉइंट है लोगों ने बोला है, उसको अभी मैं जा कर के लोगों से, अपने उच्च अधिकारियों से जा कर के डिस्कस करके और कंफर्म कर देंगे कि हम लोग का इस पर एक्शन लेंगे। एक्शन तो हम लोग इमीडिएट लेंगे, लेकिन आप जो पर्टिकुलर डेट का बोल रहे हैं, तो मुझे डिस्कस एक बार उनसे, जो ऊपर वाले अधिकारी हैं उनको एक बार मैसेज कम्युनिकेट करके हम उसके हिसाब से इमीडिएट एक्शन लेंगे। जिस समय काम चालू हुआ था, उस समय आपके रूडिक के अधिकारी अधिशासी अभियंता जिनके पास SC का भी चार्ज है, उन्होंने कहा था कि पूरा 27 दिन के अंदर सारा काम हम पूरा करके और रोड को जैसे स्थिति में हमें मिली थी उससे बढ़िया स्थिति में थी। अब उस बात को 5 महीने लगे, व्यापारी कब तक बर्दाश्त करेंगे? जैसा मेरा व्यू है सर, जैसे लॉकडाउन पीरियड में कुछ काम स्टार्ट हुआ था, चिड़िया मार्केट में इन किए थे। हाँ, किन समस्याओं को लेकर आए व्यापारियों में नाराज़गी? व्यापारियों के नाराज़गी एकदम जायज है। उन्होंने LNT वाले ने आज से 4 महीने पहले काम शुरू किया, तब इन्होंने कहा था हम जैसी सड़कें हैं वो 30 दिन में बना के देंगे वापस, मगर आज 5 महीने होने को आ गए हैं। हर बाज़ार में चैम्बर एक तो ऊपर है, सबसे बड़ी मूल समस्या है। जैसी रोड दी वैसी इन्होंने बना के दी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ पे सीवर कनेक्शन कराओ अपने, तो मैं बाद में बनूँगा। तो हमने रुई कटला रोड पे सीवर कनेक्शन भी करा के दे दिए, वहाँ भी अभी तक रोड नहीं बनी। जो भी चैम्बर लगे बना रहे हैं वो आज से सड़क से 6-6 इंच ऊपर और रोज़ हादसे हो रहे हैं। ढागा की गली में जैन उपासरा है, वहाँ आज पॉल्यूशन में कोई अपनी ये नहीं कर सकता, अपने धर्म के प्रति आस्था जो भी इनकी। रुई कटला में थाना के वहाँ भी लोग नहीं जा पा रहे, देव जी का पास में प्लस यहाँ भटवाड़ा पास में हर थानक में जो ये दर्शनार्थी जा रहे हैं या शिक्षा दीक्षा के लिए जा रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। अब जैन महाराज भी बिना चप्पल घूम रहे हैं, पूरे कंकर चुभ रहे हैं उनके, मगर इनके जू नहीं रेंग रही। प्लस चूड़ीगढ़ बाजार में इतने चैम्बर ऊपर है, आप देखते रह जाओ कि दो दो मस्जिद है, कैसे लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे। मेरे साथ ये खड़ा है भाई, इनका मकान आप जाके देखो तो आपको